मैं इसलिए भी बोल रहा हूं सचिन, क्योंकि अब जो बॉलीवुड का स्वरूप है वो बहुत घिनौना हो चुका है, बहुत खतरनाक हो चुका है। सुशांत की मृत्यु के बाद ये पूरा पेंडेरा बॉक्स खुल गया, इनकी पूरी नंगई खुल गई कि बॉलीवुड में हो क्या रहा है। एक पूरा जो गैंग है, इंटरनेशनल गैंग, वो अभी एक जो हमारी बहन कह रही थी कि हमारे धर्म के ऊपर हमला है, हमारी संस्कृति के ऊपर हमला है, एकदम सही बोल रही है वो। हमारी संस्कृति के ऊपर जड़ से वो हमला कर रहे हैं और उनको तहस नहस कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ये जो करण जौहर है और उसका जो गैंग है महेश भट्ट, ये पूरा गैंग आदित्य पंचोली का, इस तरह के थर्ड ग्रेड लोग जो हैं इस पूरे इंडस्ट्री को क्रिएटिविटी के नाम पर अनर्गल गंदी चीजों में ढकेल रहे हैं। इन लोगों को अब पूरी तरह से एक्सपोज करना ही पड़ेगा, इन्हें कानून के घेरे में लाना ही पड़ेगा, या तो ये देश छोड़ के भाग जाएंगे या फिर यहां उनको सजा दी जाएगी। लेकिन मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को क्लीन करने का जो हमारा अभियान है वो अब चल पड़ा है, उसको अब कोई रोक नहीं सकता है। मैं यहां आपसे ये जानना चाहता हूं सचिन, और हमारे जो भी दर्शक जुड़ रहे हैं वो अपना 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 प्रकाश डालें इस मुद्दे पर। ये जो श्रीदेवी की मौत हुई थी, जिसमें दीप्ति आर कुछ बोल रही हैं, श्रीदेवी की मृत्यु एक सॉलिड मर्डर है सचिन? कौन बोलना चाहते हैं इस विषय पे? सचिन जी, आप बाकी लोगों को ले सकते हैं, मैं थोड़ा बाद में बोलूंगा, आप प्लीज ले सकते हैं। कोई बोलना चाहते हैं इस मुद्दे पे? श्रीदेवी के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या श्रीदेवी के मौत को जिस प्रकार से रफा दफा करा दिया गया और उसमें बिल्कुल फॉल प्ले दिख रहा है, ये अकल्पनीय बात लग रही है कि एक बाथटब में इतनी बड़ी एक्ट्रेस को मालूम ही नहीं है, जो रोज बाथटब में नहाने नहाती थी, वो मशहूर एक्ट्रेस जो हैं वहीं पे गुजर गई। ये सचिन आपको लगता है कि ये सच है? क्या श्रीदेवी ने कुछ बात बताई थी सुशांत को? श्रीदेवी को भी कुछ राज मालूम हो रहे थे? श्रीदेवी, दिशा और सुशांत, इन तीनों को बहुत बड़ा राज मालूम हो गया था। और खाली इन तीनों को नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी की सुशांत और दिशा से पहले मौत हुई और उसके बाद मौत हुई है। सचिन, सर, मुझे एक बात बोलिए, कोई बाथटब में डुबके मर सकता है क्या? कैन समवन ड्राउन देमसेल्स इन अ बाथटब एंड डाई? स्विमिंग पूल, चलिए मान सकते हैं, स्विमिंग पूल में ड्राउन होके मर सकते हैं। ओके, कोई आप रिवर बोलो, आप पॉन्ड बोलो, आप लेक बोलो, पॉसिबिलिटीज है। बाथटब में समवन इज ड्राउनिंग एंड डाइंग ऑफ एस्फिक्सिएशन, हाउ इट इज पॉसिबल? समवन हैज टू रियली प्रूव दैट फैक्ट कि आप ड्राउन होके कैसे मर सकते हैं, दैट इज लिटरली इम्पॉसिबल। सो वो जो रिपोर्ट इन लोगों ने दिया ना कि डेथ बिकॉज ऑफ ड्राउनिंग, दैट इटसेल्फ शोज कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। Someone has to prove कि आप how can someone die in a bathtub? Until unless that person has got heart attack, you know, bathtub में लेटे हुए, then you suddenly have a cardiac arrest and you die, that is understood. Death by drowning in a bathtub, मतलब bathtub के पानी में डूब के मरना। I am sorry, छोटा सा चूहा भी नहीं मर सकता। यहां तो पूरे इंसान की बात कर रहे हैं हम। I am sorry, I cannot believe it. But again, श्रीदेवी का मर्डर, वाई इसको क्यों टेक ओवर नहीं किया गया, इसको क्यों देखा नहीं गया, ये भी एक बहुत बड़ी राज की बात है। पूरा डाउट उनके पति के ऊपर जा रहा है, क्यों इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया, ये भी एक राज की बात है। अगर मतलब समवन हैज टू एक्सप्लेन, यू नो आई डोंट नो वेदर द केस विल बी टेकन अप और नॉट, बट अगर सुशांत और दिशा सालियान का केस खुल सकता है तो शायद श्रीदेवी का केस भी खुल सकता हो, हु नोस हु नोस।
बट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है श्रीदेवी के केस में, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट आई होप दैट शी रिसीव्स. ये जो बॉलीवुड का ऑर्गेनाइज्ड गैंग है सचिन, ये पूरा प्लान करके